ओम शांति। बाबा आज हमें हम बच्चों को संपूर्ण समर्पण जैसे परवाने शमा के ऊपर फिदा हो जाते हैं उसका मिसाल देते हुए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण समर्पणता बलिहारी बच्चों को बनना है, इसका क्लैरिटी हमें बाबा दे रहे हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने यह वायदा किया था कि परमात्मा हे प्रभु जब तुम आओगे इस धरा पर हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम सिर्फ तुम्हारे बनकर रहेंगे क्योंकि हमें सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को ऐसे बलिहारी बच्चे बनना है करके कह रहे हैं। तो इस संपूर्ण समर्पणता यानी बलिहारी बच्चों का परसेंटेज बाबा कहते हैं मुझे दिखाई देता है। कई बच्चे उस परवाने की तरह क्षमा के ऊपर फिदा हो जाते हैं तो अपना अस्तित्व को मिटा देते हैं, तो वो बच्चे 100% बलिहारी बन जाते हैं। तो 100% बलिहारी बन गई मैं तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा क्या हुआ, मेरा अस्तित्व ही मिट गया है तो मेरा फ़ायदा ही क्या हुआ। फ़ायदा ये है जब तक मेरा अस्तित्व 100% नहीं मिट जाता तब तक आत्मा का जो निजी संस्कार है, इनेट क्वालिटी है, निरंतर सुख का अनुभूति मुझे नहीं होगा। तो क्या है ये बलिहारी, क्या है ये अस्तित्व को मिटाना, क्या है ये निरंतर सुख, ओके इसका हम क्लैरिटी देखेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को, जो बलिहारी बच्चे हैं उनको अपना चेकिंग 4 एस्पेक्ट्स में करना है। पहला है क्या सर्वसंबंध मुझ आत्मा का बाप के साथ है, दूसरा है क्या मुझ आत्मा का समीपता, दिल का समीपता एक बाप के साथ है, तीसरा है क्या मुझ आत्मा का दिल का प्रेम एक बाप के साथ है, और चौथा है ये सब बलिहारी 100% बलिहारी अपने आप को फिदा करने का, बलिहारी बनने का हिम्मत मुझ में है, मुझ आत्मा में है। इन सब का चेकिंग मैं करूंगी तब मैं कितने हद तक बाबा के ऊपर बलिहारी हूँ ये हम खुद चेक कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं तो बलिहारी हूँ ही मगर परसेंटेज, मतलब क्या संकल्प के रूप में हम सर्व संबंध समीपता दिल का प्रेम हिम्मत को लेके आए हैं मगर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बने हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप, प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता, प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा मांगते हैं कि तुम बलिहारी हुए हो। तो प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि मैं बलिहारी हुई हूँ, तो वो है आत्मा का जो निजी संस्कार है, इनेट क्वालिटी है, निरंतर सुख की अनुभूति मुझे पल पल महसूस होगा। ये है प्रैक्टिकल स्वरूप का प्रूफ
जो बाबा हमें पूछ रहे हैं। तो एक एक चीज को हम अभी गहराई में देखेंगे। बलिहारी, संपूर्ण बलिहारी, संपूर्ण समर्पण का पहला निशानी है सर्व संबंध एक बाप से है। तो मुझ आत्मा का सर्व संबंध एक बाप से है या मेरा संबंध शरीर, मेरा शरीर और मेरे मन बुद्धि संस्कार से है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चेकिंग। इन दोनों का चेकिंग मैंने कर लिया और उसका मैंने समर्पण कर दिया बाबा को और संपूर्ण बलिहारी बन गई, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो मुझ आत्मा का संबंध शरीर के साथ है या एक बाप के साथ है, इसको हम देखेंगे। मुझ आत्मा का संबंध अगर शरीर के साथ है तो इस शरीर में अगर हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तो मैं आत्मा खुशी की अनुभव करूंगी। इस शरीर, ये शरीर अगर अस्वस्थ है तो मैं आत्मा दुख का अनुभव करूंगी। तो आत्मा का जो निजी संस्कार है, प्रैक्टिकल प्रूफ, निरंतर सुख वो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा संबंध इस शरीर से है। शरीर ठीक तो मैं ठीक, शरीर अस्वस्थ मैं भी अस्वस्थ, निरंतर सुख नहीं तो प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं। तो यही अगर मुझ आत्मा का संबंध एक बाप से है, शरीर के साथ मेरा ट्रस्टी का संबंध है, मतलब मैं इसको एक निमित्त बनकर इसका मैं संभालती हूँ, उपयोग करती हूँ, तो शरीर स्वस्थ है क्योंकि मेरा संबंध शरीर से है ही नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं। स्वस्थ है तो भी ठीक, अस्वस्थ है उसके लिए जो करना है वो मैं करूंगी, मगर मैं आत्मा बाबा के साथ शरीर के अस्वस्थता को भी साक्षी होके देखने का अभ्यास है, देखने का हिम्मत है, तो मेरा निरंतर सुख प्रैक्टिकल प्रूफ बन जाता है। तो किसका बलि चढ़ा यहां पे? बलि चढ़ा शरीर को लेके जो मेरे मन में मैंपन और मेरापन है, शरीर को लेके जो ये मैं हूं, ये मेरा है जो है, उसका मैंने बलि चढ़ा दिया, उसको मैंने बाबा को समर्पण कर दिया। कौन? निराकार आत्मा। फिर अगला हम देखेंगे, शरीर को भूख लगता है, प्यास लगता है, तो स्वादिष्ट खाना, तरह तरह का वैरायटी खाना, ये तो हमने छोड़ दिया है, मगर शरीर को खाना ही ना मिले, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, तब आत्मा का संबंध अगर शरीर से है तो शरीर में हो रहे सेंसेशंस को मैं अपना कहूंगी, मेरा कहूंगी, मैं कहूंगी, तो आत्मा का जो
निजी संस्कार है, निरंतर सुख स्वरूप वो मेरा नहीं होगा, तो मैं 100% बलिहारी नहीं। अगर मुझे आत्मा का सर्व संबंध एक बाप से है, शरीर से नहीं है, शरीर को मैं संभालती हूँ, यूज करती हूँ, चलाती हूँ निमित्त मात्र, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, तब शरीर में हो रहे सेंसेशंस, भूख के मारे, प्यास के मारे, उस सारे सेंसेशंस को मैं साक्षी होके बाबा को समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि मेरा संबंध शरीर से नहीं। तो मैं कौन हुई? निराकार आत्मा, जिसका निजी संस्कार है निरंतर सुख, उसके अनुभूति मैं करूंगी। फिर शरीर को और क्या बिल्कुल चाहिए? श्वास, ब्रेथ। श्वास नहीं मिलता है तो शरीर तड़पता है, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो वो समय आगे जाके हम सबको ड्रामा प्लान अनुसार फेस करना ही है। क्लॉस्ट्रोफोबिया जो हम बोलते हैं, सांस न मिलने पर, सांस न ले पाने पर जो तड़पन शरीर में सेंसेशंस के रूप में महसूस करती है आत्मा, तब अगर मैं आत्मा का संबंध, सर्व संबंध, सिर्फ एक बाप से न होकर शरीर से है, तो वो तड़पन शरीर में जो तड़पन हो रहा है बिना श्वास के, तब मैं आत्मा भी तड़पूंगी। तो अंतमति सो गते, जो बाबा का श्रीमत है, उस समय मेरा सर्व संबंध शरीर के साथ होने के कारण मेरा गति दुर्गति होगी। तो अगर मेरा निराकार आत्मा का सर्व संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बाप से है और शरीर से नहीं है, तब मेरा प्रैक्टिस निरंतर है साक्षी होकर शरीर में होते हुए हर एक सेंसेशंस को बाबा को समर्पण करने का एक निरंतर स्थिति है। तब श्वास अगर ले नहीं पा रही हूं, श्वास का बिल्कुल अभाव है, शरीर तड़प भी रहा है, उस सेंसेशंस को भी मैं साक्षी होके देखूंगी, साक्षी होके देखने का हिम्मत रखूंगी, क्योंकि मुझ निराकार आत्मा का अस्तित्व ना शरीर पर है ना श्वासों पर है। तब उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी मैं आत्मा का निजी संस्कार जो है निरंतर सुख का अनुभूति मैं कर सकूंगी। ऐसे शरीर में अलग अलग सेंसेशंस होते हैं, शरीर के साथ अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ें होती है, एक्सीडेंट और दूसरा कुछ शरीर के साथ हो सकता है ड्रामा प्लान अनुसार। तब मुझ आत्मा, निराकार आत्मा का, अगर मेरा सत्य के ऊपर निश्चय है कि शरीर में जो कुछ सेंसेशंस हो रहा है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, उनसे मेरा कोई मैंपन और मेरापन नहीं, उसको मैंने बलि चढ़ा दिया बाबा को,
इसका मेरा निरंतर का अभ्यास है, तो वो निरंतर सुख स्वरूप आत्मा का प्रैक्टिकल प्रूफ मैं आत्मा खुद देख सकती हूं और बाबा को भी दिखा सकती हूं। तो अगला आया सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि और संस्कार। इसको भी मैंपन और मेरापन बहुत लगाते हैं हम, इसी को बहुत लगाते हैं। इनफैक्ट अनेक जन्मों से, 63 जन्मों से ये जो देहबान का संस्कार है वो मन के संकल्प, मन के फीलिंग्स, मन के मेमोरीज में ही तो छुपा है। तो मन बुद्धि संस्कार में जो भी रिकॉर्डेड है, जितने भी मेरे जन्म है, उस अनुसार सत्युग त्रेता के संस्कार या द्वापर कलयुग के संस्कार या संगम युग के संस्कार, जो संकल्प के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, मेमोरीज के रूप में मेरे मन में बार बार आते हैं, उसको भी मैं निराकार आत्मा, मैंपन, मेरेपन नहीं करूंगी। इस सूक्ष्म मैंपन और मेरेपन को मुझे बाबा को बलि चढ़ाना है, तब होगा संपूर्ण समर्पण। तो देवताए संस्कार आए सत्युग त्रेता के, इसमें मैं खुशी नहीं लूंगी, इसमें मैं फूले नहीं समाया, बलून के गुब्बारे की तरह फूल गई, खुशी से दिल गदगद हो उठा है क्योंकि मेरा देवताए संस्कार इमर्ज रूप में मुझे दिख रहा है, इसको भी मैं साक्षी, क्योंकि मेरा संबंध मन बुद्धि संस्कार से नहीं। साक्षी होकर मैं निराकार आत्मा, उसको भी बाबा को समर्पण। ड्रामा प्लान अनुसार जो रिकॉर्डिंग मेरे अंदर है वो इमर्ज हुआ है, देवताए संस्कार इमर्ज हुआ है, उसको भी मैं निराकार आत्मा बाबा को समर्पित। फिर द्वापर कलयुग का संस्कार इमर्ज हुआ, कभी कभी गुस्से का संस्कार इमर्ज हुआ, बहुत गुस्से का संकल्प आ रहे, रोब का नृत्य चल रहा है मन में। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों करते हैं लोग, मैं ही हमेशा परेशान क्यों रहती हूं, संस्कार इमर्ज हो रहा है जो रिकॉर्डेड है द्वापर कलयुग का, क्योंकि मुझ निराकार आत्मा का सर्व संबंध सिर्फ एक बाप से है, मन से नहीं है। इसका मतलब है मन में आ रहा जो क्रोध का संकल्प संस्कार, वो भी मैं नहीं, उसको भी मैंपन और मेरापन नहीं। तो इस मैंपन मेरेपन को मैं बाबा को समर्पित। तो पीछे कौन बची, निराकार आत्मा का जो स्वधर्म निरंतर सुख का मैं अनुभूति कर सकूंगी। कब मेरा मन क्रोध से लाल पीला है, तब भी मन में ईर्ष्या का संकल्प आया, बहुत जलन हो रही है, उस जलन से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ईर्ष्या का संकल्प आने पर जो पुरुषार्थी मन है उसको घृणा भी हो रहा है,
कि इतने साल हो गया तुम्हें ज्ञान ज्ञान में चलते हुए, अभी भी ईर्ष्या आ रहा है। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास अभी तक पक्का नहीं हुआ है। आत्मा आत्मा भाई भाई का दृष्टि अभी तक पक्का नहीं हुआ है। गिल्ट का महसूस हो रहा है। मेरे पाठ के प्रति मैं नालायक हूँ, इसका महसूस हो रहा है। मन में तूफान का हाहाकार मच रहा है। फिर भी मैं निराकार आत्मा, क्योंकि मेरा सर्व संबंध सिर्फ एक बाप से है, मन से नहीं, जो प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है उसको मैं बाबा को समर्पित। ये मेरा मन नहीं, ये मैं नहीं, तो पीछे कौन बचा? निराकार आत्मा, जिसका निजी संस्कार है निरंतर सुख। तो ऐसे द्वापर कलयुग के अनेक संस्कार देहाभिमान के एमर्ज होंगे टाइम टू टाइम। उसको एमर्ज होना है और होगा जरूर। इसी को बाबा कहते हैं माया अंत तक आएगी, माया के तूफान अंत तक आएंगे। तो होने के बाद मैं निराकार आत्मा उस मन को ना बदलूंगी, ना द्वेष करूंगी, ना गिल्ट में जाऊंगी, मगर उसको मैंपन मेरेपन से मुक्त बाबा को समर्पित करूंगी। तो संगमयुग का संस्कार कभी एमर्ज होता है कि मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ, डबल तीव्र पुरुषार्थ, ट्रिपल तीव्र पुरुषार्थ करो करके बाबा कहते हैं, और मेरा तो इतना अच्छा नहीं चल रहा है पुरुषार्थ, मेरा पार्ट ही ठीक नहीं है संगमयुग में। तो ऐसे पुरुषार्थ को लेके जो मन में संकल्प चलते हैं वो भी पुरुषार्थी का जो पार्ट चल रहा है संगमयुग पर, उस पार्ट का संस्कार है मुझ निराकार आत्मा का नहीं। मुझ निराकार आत्मा का जो संस्कार है वो है बाप समान, वो है बिल्कुल बाबा जैसा, जो कि निरंतर सुख, निरंतर शांति, निरंतर प्रेम। सो सत्युग त्रेता के संस्कार एमर्ज हो, द्वापर कलयुग के संगमयुग के संस्कार एमर्ज हो, जो भी आए, जैसा भी तूफान आए मन में, उसको मैं आत्मा निराकार निरसंकल्प असोचता अभोक्ता अकर्ता आत्मा, जो बिल्कुल बाबा की तरह है, उसको मैंपन मेरेपन नहीं करूंगी। इस मन से मैंपन मेरेपन का बलि चढ़ाना ही संपूर्ण बलिहारी बनना है। तो ऐसे में बाबा का जो मांगना है हम लोगों का प्रैक्टिकल प्रूफ कि संपूर्ण बलिहारी बने हो, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाओ, वो प्रैक्टिकल प्रूफ जो निरंतर सुख स्वरूप आत्मा का जो निजी संस्कार है वो उसका मैं अनुभूति कर सकूंगी। ये है बाबा के ऊपर संपूर्ण समर्पण यानी बलिहारी बनना। अच्छा, ओम शांति।